हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SirfStudy। SirfStudy के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानियां, और हम देखेंगे इसके अंदर लोकसभा सीटें कितनी हैं, किसी राज्य के अंदर राज्यसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला राज्य है गुजरात। यदि बात करें गुजरात की तो गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। यदि बात करें राज्यपाल की तो वो है आचार्य देवव्रत। अभी इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। यदि बात करें गुजरात की तो गुजरात में पहले कौन थे, इनसे पहले विजय रूपानी से पहले वो थे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनके बाद से कौन है? विजय रूपानी। यदि बात करें इनकी राजधानी की तो राजधानी क्या है? ये हो जाएगी हमारी गांधीनगर। गांधीनगर को कैसे रिलेट करेंगे? यदि बात करें साबरमती आश्रम की, पहले आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे की थी? गुजरात में। तो गुजरात से हम गांधी को रिलेट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा? गांधीनगर। ठीक है, तो ये है इनकी राजधानी, गुजरात की राजधानी। मुख्यमंत्री की बात करें विजय रूपानी, तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? यदि इन्हें रिलेट करने की कोशिश करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी की बात करें, वो भी क्या है, मतलब कि एक तरीके से जो इंसान जीवन में अपने सारा समर्पण कर दे रहा है देश के प्रति, जिसने अब कभी शादी नहीं की, वो ऐसा कौन इंसान होगा जो कर सकता है ऐसा, जिसने खुद पे विजय पाली हो। तो इससे क्या करेंगे हम, इससे हम रिलेट करेंगे विजय भाई रूपानी को। और बात करें राज्यपाल की, तो ऐसे जो खुद पे विजय पा लेते हैं वो किस टाइप के इंसान होते हैं? वो होते हैं आचार्य टाइप के। तो इससे हम रिलेट करेंगे आचार्य देवव्रत। तो इस तरीके से हम मुख्यमंत्री भी याद कर लेंगे और राज्यपाल भी। ठीक है, तो गुजरात में यदि बात करें हम लोकसभा सीटें की, तो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे 26। बात करें राज्यसभा सीट तो वो है हमारी 11। ठीक है, और विधानसभा सीट की बात करें तो वो है हमारी यहाँ पर 182। ठीक है, बात करें लोकसभा सीट तो 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आते हैं हम अगले अपने अगले राज्य पे। तो अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हमारा झारखंड। यदि झारखंड की बात करें, क्योंकि इसकी तो लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट सभी याद रखनी है, क्योंकि ये अभी रिसेंट में आया है। ठीक है, जो चेंजेज हुए हैं वो अभी हुए हैं, तो वो तो जरूर याद रखने हैं हमें। ठीक है, बात करें यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी, तो वो कौन है यहाँ पे? यहाँ पे हैं हेमंत सोरेन, हेमंत विश्वा शर्मा से इसे कभी भी मैच नहीं करना है, क्योंकि वो हेमंत विश्वा शर्मा कहाँ पे हैं? वो हैं असम में। यदि बात करें हम झारखंड की, तो वहाँ यहाँ पे आ जाएंगे हमारे हेमंत सोरेन। ठीक है, बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो बेस था, मतलब यदि हम बात करें पहले रिलेट कर किया था उसे त्रिपुरा से, तो त्रिपुरा किस तरफ से घिरा हुआ? तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो मतलब कि त्रिपुरा कहाँ का बेस था पहले? त्रिपुरा बेस है बांग्लादेश का एक तरीके से। ठीक है, तो यदि बात करें वहां पे हमने रिलेट किया था किससे? त्रिपुरा को, त्रिपुरा से बेस को, क्योंकि ये वहीं पर थे, वहां से ट्रांसफर होकर अब कहाँ आ गए? ये आ गए हमारे राज्यपाल कहाँ के? झारखंड के। तो मतलब कि बेस चेंज हुआ, त्रिपुरा से बेस कहाँ पे स्थानांतरित हो गया? झारखंड में। तो इससे याद कर लेंगे हम रमेश बेस। यदि बात करें इसकी राजधानी की, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी यहीं से रिलेट करते हैं। यदि बात करें हम यहाँ पे लोकसभा सीट की, तो यहाँ पे लोकसभा सीट है 14। ठीक है, बात करें राज्यसभा सीट तो वो है 6, और विधानसभा सीट की बात करें तो वो हो जाएंगी हमारी 81। मतलब कि लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 6, विधानसभा सीटें हो जाएंगी हमारी यहाँ पर 81। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट राज्य पे। तो नेक्स्ट राज्य की बात करें तो नेक्स्ट राज्य हमारा आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में अभी की बात करें रिसेंट की, तो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। ट्रिक के माध्यम से याद करने की भी कोशिश करेंगे ने। और यहाँ पे राज्यपाल की बात करें तो वो आ जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। ठीक है, यदि हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करें, तो याद कैसे करेंगे हम इसे? पहले तो देख लेते हैं मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। तो जयराम क्या है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश को रिलेट करेंगे हिमालय से। यदि हिमालय पर कोई इंसान आ रहा है, हम पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं, हमने कुछ मंगाया है, तो हमने किसी दूसरे इंसान से बोला है कि आ लेकर, ठीक है, जय जय करता हुआ पहाड़ पे चढ़, ठीक है, जयराम 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 का नाम लेता हुआ आ, और आ लेकर, ठीक है, कुछ आ लेकर, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे याद? तो हिमालय पे चढ़ रहे हैं हम, कि किसका नाम जपते हुए? जयराम जयराम जयराम, इससे रिलेट कर लेंगे हम जयराम ठाकुर। और उसके बाद बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल में क्या आ जाएगा हमारा? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। तो हम रिलेट करेंगे इसमें सिर्फ आलेकर, आलेकर, जयराम जयराम करता हुआ आलेकर, ठीक है, पहले से कोई मौजूद है हिमालय पे, उसके लिए कुछ लेके जाना है, तो उससे रिलेट कर पाएंगे हम आलेकर। तो जयराम ठाकुर और राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ये हो जाएंगे यहाँ के राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, बात करें राजधानी की, तो राजधानी तो नॉर्मल तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्या हो जाएगी राजधानी? शिमला। ठीक है, बात करें लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट कहाँ पे, यहाँ पे कितनी है? 4। यदि बात करें राज्यसभा सीट की, तो वो है 3, और विधानसभा सीट है 68। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, मतलब कि जयराम जयराम करता हुआ आलेकर, तो मतलब कि जयराम ठाकुर और राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। उसके बाद बात करें हम, आएगा हमारा अगला नेक्स्ट राज्य, तो वो है हमारा कर्नाटक।
यदि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अभी मुख्यमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो कर्नाटक की पहले सबसे पहले देखते हैं राजधानी, तो राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी हमारी बेंगलोर, ठीक है। अब यदि याद करने की कोशिश करें मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो क्या है, मतलब कि यदि नाटक की बात करें तो बहुत ज्यादा नाटक चल रहा है मुख्यमंत्री के, इसमें पहले ये बने फिर इस्तीफा दिया, किसने, इससे इससे पहले यदि बात करें तो वो ही येदियुरप्पा, तो येदियुरप्पा की बात करें तो उनका नाटक ही चल रहा है, 8 में 9 में इस्तीफा, फिर 18 19 फिर 19 के बाद अब दोबारा 20 में 21 में इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो मतलब कि एक तरीके से नाटक चल रहा है उनका, कभी इस्तीफा कभी ज्वाइन रीज्वाइन कभी फिर इस्तीफा फिर रीज्वाइन, ठीक है। तो मतलब कि अब वो उनका वो नाटक खत्म हो गया। तब यहाँ पे फिर कौन आए, यहाँ पे मुंबई आए, मुंबई ने क्या बोला, अब तुम्हारा नाटक खत्म, बस हो गया नाटक, ठीक है, अब तुमने कर लिया राज, बस अब राज, बस अब राज हो गया तुम्हारा, इसके बाद हम राज करेंगे। तो इससे याद करेंगे हम बस अब राज हो गया, ठीक है। तो इससे याद करेंगे बसवराज मुंबई, तो बसवराज मुंबई क्या है, नए सीएम बने हैं कहाँ के, कर्नाटक के, तो बस अब राज हो गया, अब तुम्हारा कोई राज नहीं होगा यहाँ, ठीक है। बात करें हम राज्यपाल की, तो क्योंकि हर जगह राज कौन कर रहा है मैक्सिमम, यदि बात करें तो वो कौन है, गहलोत। तो इससे रिलेट कर पाएंगे हम किसको, थावरचंद गहलोत, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, थावरचंद गहलोत, ये भी चेंज हुए हैं अभी, ठीक है। पहले इनके पास केंद्र में एक अलग से इनके पास होता था सामाजिक और न्याय मंत्रालय, वो इनसे छीन लिया गया है। अब इनका पता नहीं चल रही कि ये गवर्नर बनाए हैं, ये प्रमोशन था या डिमोशन था, लेकिन जो भी था यहाँ पे कौन बन गए राज्यपाल, अब कर्नाटक के थावरचंद गहलोत। यदि बात करें यहाँ की राजधानी तो बेंगलोर देख चुके हैं, लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट क्या है, यहाँ पे हैं 28 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीटें यहाँ पर 12, और विधानसभा सीट की बात करें तो ये हैं 224, ठीक है। तो लोकसभा सीट जहाँ पे अभी रिसेंट में हुए हैं, अभी जल्दी में हुए हैं चुनाव, तो वहाँ की तो सीटें भी याद रखनी है। तो यदि बात करें कर्नाटक, कर्नाटक में बिल्कुल अभी चेंजेज आए हैं, तो लोकसभा सीटें कितनी हो जाएंगी, 28, राज्यसभा सीटें कितनी हो जाएंगी, 12, उसके बाद बात करें विधानसभा की तो 224, बस विधानसभा याद रखना है 224, झारखंड की विधानसभा याद रखना 81, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट राज्य की, ठीक है। तो नेक्स्ट राज्य की बात करें तो नेक्स्ट राज्य आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो बेस्ट सीएम का अवार्ड भी किसे मिला, आंध्र प्रदेश के सीएम को ही मिला है, ठीक है। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ पे वाईएसआर जगमोहन रेड्डी, तो वाईएसआर इनकी सारी स्कीम्स के अंदर भी वाईएसआर लिखा रहता है, और बेस्ट सीएम का अवार्ड भी मिला है, तो इससे रिलेट करके हम याद कर लेंगे वाईएसआर जगमोहन रेड्डी। तो ये कहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ये हो गई हमारे आंध्र प्रदेश की। उसके बाद बात करें राज्यपाल की, ठीक है। तो आंध्र मतलब कि हरिचंदन, यदि चंदन लगा लिया, अंधा इंसान है उसने चंदन लगा लिया, तो कैसा होएगा वो, एक तरीके से आभूषित लगेगा, तो इससे हम रिलेट कर लेंगे क्या, भूषण, आभूषण, क्यों वो क्या आ जाएगा हमारा, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा विश्वभूषण हरिचंदन, कहाँ पे हो जाएंगे राज्यपाल, ये है आंध्र प्रदेश में। यदि बात करें यहाँ की राजधानी की, तो राजधानी यहाँ वैसे प्रस्तावित कितनी है, 3, लेकिन अभी क्या है, अभी एक ही है राजधानी, अमरावती, ठीक है। बात करें प्रस्तावित की तो वो आ जाएगी कुरनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती, 3 राजधानी प्रस्तावित है यहाँ पे। बात करें यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है, क्योंकि याद रखें ये वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकसभा सीट है यहाँ की 25, राज्यसभा सीट है यहाँ पे 21, और बात करें विधानसभा सीट तो ये है 175, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं, तो नेक्स्ट राज्य आ जाएगा हमारा हरियाणा। बात करें हरियाणा की, दूध खाट की नगरी, ठीक है। तो हरियाणा में कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो मनोहर लाल खट्टर ये तो फेमस है, ठीक है, इनके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है ट्रिक की। तो मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, कहाँ पे, हरियाणा पे। यदि बात करें हम राज्यपाल की तो कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय ये पहले अभी चेंज हुए हैं, ठीक है, पहले यहाँ के नहीं थे, तो अभी रिसेंट हुए हैं ज्वाइन, इस वजह से ये याद रखना बंडारू दत्तात्रेय कहाँ के, ये हैं हरियाणा के। यदि बात करें यहाँ की राजधानी की, तो राजधानी ये कई दो स्टेट की है और एक केंद्र शासित प्रदेश की, तो क्या हो जाएगा हमारा, चंडीगढ़। उसके बाद लोकसभा सीट की बात करें तो 10, राज्यसभा सीट की बात करें तो 5, और विधानसभा सीट की बात करें तो 90, ठीक है। तो 90 सीट कहाँ पे है, 90 सीट कहाँ पे है, विधानसभा में है हरियाणा में, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, नेक्स्ट स्टेट आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सब कुछ ये अपडेटेड है, जो भी अब तक जितना भी हुआ है, ठीक है, अपडेटेड है सब कुछ, मुख्यमंत्री भी राज्यपाल भी, ठीक है, और सीटें भी। अब उसके बाद बात करें हम हमारे अगले नेक्स्ट राज्य आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये आ जाएगा ये वाला पोर्शन, मतलब कि यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पे क्या है, सबसे कम जो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनघनत्व, वो यहीं पे ही है, ठीक है। तो वो तो अलग स्टैटिक का पॉइंट हो गया। तो यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री, तो यदि वहाँ बात करें इसे रिलेट करने की, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री भी याद कर रहे हैं हमें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और राज्यपाल भी याद कर रहे हैं, तो हम कैसे याद करेंगे, हम इसे रिलेट करेंगे जैसे अरुण है। अरुण क्या होगा, एक इंसान होगा, एकमात्र राज्य है जिसमें कोई ना कोई ऐसा नाम आ रहा है जो किसी इंसान से रिलेट कर पा रहा है, तो अरुण है। मान लिया हमने अरुण को
दुकान पे भेजा, क्या लेने, हमने भेजा उसे खांड लेने, और वो खांड की जगह क्या ले आया, बीड़ी ले आया, क्योंकि वो बीड़ी का बहुत शौकीन है। ठीक है, तो इससे रिलेट करेंगे हम। अरुण को कहाँ भेजा था, हमने भेजा था कहाँ, दुकान पे, वो उसकी जगह क्या ले आया, खांड की जगह, वो ले आया खांड की जगह मिश्री। तो अरुण अरुण माइंड में आएगा, जैसे ही माइंड में स्ट्राइक करेगा अरुण, तुरंत हमारे माइंड में आ जाएगा कि अरुण से आ जाएगा प्रेमा खांडू। ठीक है, तो खांड लिया आया था क्योंकि वो, तो मुख्यमंत्री कौन है, प्रेमा खांडू। राज्यपाल की बात करें तो वो है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ठीक है, तो ये आ जाएंगे, तो बीडी से रिलेट कर लेंगे हम बीडी मिश्रा को। ठीक है, बात करें राजधानी की, तो राजधानी तो सबको पता होगी। ठीक है, क्या है राजधानी हमें दिया जाएगी इसकी, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम लोकसभा सीटें हैं, दो। ठीक है, राज्यसभा सीट सिर्फ एक, और विधानसभा सीट है 60। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा केरल। बहुत फेमस है हर चीज़ में, यदि बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता की, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी कहाँ पे है, केरल में। लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भी कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, तो बात करें अब केरल की, तो केरल में आ जाएगा हमारा केरल के मुख्यमंत्री और हमारे राज्यपाल, दोनों को याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे केरल को रिलेट कर पाएंगे हम करेला से, तो यदि करेला किसी ने खाया, ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, यदि करेले की बात करें तो करेला कैसा लगेगा, कड़वा, कड़वा लगेगा, तो क्या होगा हमें, पीणा होगी, पीणा मतलब समझ रहे हो, दुख दर्द, तो पीणा होगी, तो पीणा से रिलेट कर पाएंगे हम पिनाराई विजयन। तो पिनाराई विजयन कहाँ के हो जाएंगे, यहाँ पे अभी री इलेक्ट होकर आए हैं ये पिनाराई विजयन, ये कहाँ पे, केरल में। और बात बात करें हम इनके राज्यपाल की, तो क्या हो जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो हम, हमें पीणा कौन दे रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लंघन करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो इससे क्या रिलेट करेंगे, कोई एकमात्र कौन मतलब मुस्लिम राज्यपाल, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो उसके बाद बात करें राजधानी, तो राजधानी तो नॉर्मल है, पता चल जाएगी क्या है इसकी राजधानी, केरल की है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोकसभा सीट की और राज्यसभा सीट की, तो लोकसभा सीट है हम यहाँ पे लोकसभा 20, राज्यसभा जो अपर हाउस है हमारा उसकी हो जाएंगी 9, उसके बाद विधानसभा की बात करें तो हो जाएंगी 14। ठीक है, देख सकते हो आप लोकसभा में कितनी है 20, राज्यसभा में कितनी है 9, विधानसभा में कितनी है 140। ठीक है, तो 140 याद रखना, क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग याद रखना है कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आ जाएगा 140, 140 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं, तो नेक्स्ट राज्य आ गया हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का इंदौर हर बार सबसे स्वच्छ शहर, और उनकी राजधानी जो भोपाल है वो सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड जीती है, तो वैसे भी ये करंट में चलता रहता है हमेशा। ठीक है, तो यदि याद करने की कोशिश करें मध्य प्रदेश की राजधानी, तो वो जाएगी भोपाल। ठीक है, और रिलेट करें हम यदि मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कौन कर रहा है, मध्य में राज। यदि इंसान को सारे पूरा देश को कंट्रोल करना है तो कहाँ राज करना पड़ेगा, मध्य में। तो राज कहाँ आएंगे, राज आएंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य में राज कौन कर रहा है, हमारे शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, उसके बाद बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल पहले कौन थी, अतिरिक्त प्रभार था किसके पास, आनंदी बहन पटेल के पास। दोबारा जो आए चुनके वो भी पटेल ही हैं। ठीक है, लेकिन उनका नाम थोड़ा अलग है, तो क्या आएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, तो ये हैं, पटेल ही है, लेकिन याद रखना है पहले आनंदी बहन पटेल के पास अतिरिक्त कार्यभार था, अब मंगू भाई छगन भाई पटेल के पास। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, क्योंकि अभी इसमें क्या हुए हैं ये, क्योंकि रिसेंट में भी आया नहीं है, तो इसकी लोकसभा सीट राज्यसभा सीट पूछने के चांस कम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसके अंदर आ जाएगा हमारा लोकसभा सीट कितनी है 29, राज्यसभा सीट कितनी है 21, मतलब ये है हमारा लोअर हाउस, ये है अपर हाउस। उसके बाद विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में है 230। ठीक है, तो 230 सीट है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। उसके बाद मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आ जाएंगे हमारे, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कंट्री है। ठीक है, इसकी बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में पहले राजधानी देखते हैं, तो राजधानी क्या हो जाएगी मणिपुर की, इम्फॉल। ठीक है, बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री आ जाएंगे यहाँ के, क्योंकि मणि कौन ला सकता है, यदि हम रिलेट करें पहले पुराने जमाने की मूवियाँ होती थी, उसमें सांप जो हमारे क्या होते हैं इच्छाधारी नाग, उनके अकॉर्डिंग यदि कोई मूवी बनी है, तो उसमें क्या होता था, कोई हीरो होता था बहुत वीर, ठीक है, वही तो लाता था मणि, और किसके लिए लाता था, मतलब कि कुछ शक्ति हासिल करने के लिए, या अपनी जो प्रेमिका है उसे छुटाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें रिलेट कर पाएंगे हम उससे। ठीक है, तो मणि आती समझ जाओ, मणि लेकर आनी है। मणि कौन लाएगा, जो पूरी मूवी के अंदर सबसे वीर होगा, तो कौन लेकर आएगा, हमारा वीर लेकर आएगा। तो इससे हम रिलेट कर पाएंगे किसे, एन वीरेन सिंह आ गया। उसके बाद बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल मैंने बहुत बताया कि प्रेमिका के लिए लाएगा, या कोई लड़की होगी जिसके लिए लेकर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगी हमारी नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, इससे रिलेट कर पाएंगे, कोई प्रेमिका टाइप मतलब लड़की टाइप होगी। ठीक है, तो मतलब कि रिलेट कर रहे हैं हम याद करने, मेन मकसद है हमारा ये याद रह जाए, हमें स्ट्राइक कर जाए माइंड में जिस टाइम पर ऑप्शन दिखे तब, तो वही कोशिश कर रहे हैं हम अपनी। ठीक है, उसके बाद बात करें
लोकसभा की, तो लोकसभा सीट यहाँ पे सिर्फ दो हैं, राज्यसभा सीट एक है और विधानसभा सीट सबसे कम, मतलब कि जितनी कम होनी चाहिए, ठीक है, इसके एक्सेप्शन भी है, लेकिन विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पे 60। उसके बाद बात करें हम अगले राज्य की, तो अगला राज्य आ जाता है हमारा महाराष्ट्र, जहाँ पे अभी रेल पर्यटन की शुरुआत की है, ठीक है। तो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कौन बने, ये तो करंट में चलते रहते हैं, तो क्या आ जाएगा, इनके बेटे ने उसकी भी खोज की है एक नई प्रजाति की मछली की, सिस्टोरा हिरण्यकेशी की, ठीक है। तो कौन है ये है हमारे उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे कहाँ पे मुख्यमंत्री, ये हैं हमारे महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के जो इंसान हैं वो बहुत क्या होते हैं, होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, तभी तो वो मुंबई में सस्टेन कर पा रहे हैं। तो इससे रिलेट करेंगे मैं होशियार, तो होशियार से याद आ जाएगा हमारे भगत सिंह कोशियार। तो राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोशियार। बात करें राजधानी की, तो राजधानी तो बहुत फेमस है, क्या आ जाएगा मुंबई, इसका पुराना नाम क्या था, बम्बई। और बात करें यहाँ के लोकसभा सीट की, तो हो जाएंगी 48, राज्यसभा सीट कितनी हो जाएंगी 19, और विधानसभा सीट हो जाएंगी 288। मतलब कि यदि बात करें लोकसभा सीट, तो वो आ जाएंगी हमारी 48, राज्यसभा सीट 19, और विधानसभा सीट हो जाएंगी 288, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट राज्य पे, तो नेक्स्ट राज्य आ जाएगा हमारा मेघालय। तो मेघालय बरसोर मेघा मेघा मेघालय, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो खांसी जयंतियाँ, उसमें जो गारो खांसी खांसी वाली है उस पर सबसे ज़्यादा खांसों वाली पे आएगा कौन, पहले होती थी चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा, लेकिन अब कहाँ होती है, अब आ जाएगा हमारा मौसिनराम, ठीक है। तो वो उसे रिलेट कर पाना, वो तो स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री और हमारे राज्यपाल, अब इन्हें रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट टाइप के, तो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब कि एक तरीके से सारी जितनी ये तीनों पहाड़ी हैं उन्हीं में जितने भी पानी आ रहा है उन सबका यहाँ पे संगम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, संगम से रिलेट करेंगे हम कॉनराड सांगमा, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पे चेंज हो के पहले, क्योंकि ये कहाँ गए थे, गोवा के, ठीक है, उससे पहले भी चेंज हुए थे, हर बार चेंज होने के बाद जा रहे हैं सत्यपाल मलिक, पहले गोवा के थे, गोवा से स्थानांतरित होकर कहाँ गए, मेघालय में। तो सत्यपाल मलिक, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सारे जितने भी वाटर है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो वहाँ पे बारिश होती है वहीं होगी, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से बारिश सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर के फॉर्म में देखें तो कहाँ पे होगी, मेघालय में होगी। तो बारिश के मालिक कौन है, मेघालय, तो तुरंत ये रिलेट कर पाएंगे हम, ठीक है, वो आ जाएंगे सत्यपाल मलिक, मालिक से रिलेट करेंगे हम मलिक, सत्यपाल मलिक। राजधानी क्या है, शिलोंग, ठीक है। उसके बाद बात करें लोकसभा सीट की, तो आ जाएंगी 2, राज्यसभा सीट 1, ठीक है, और विधानसभा सीट कितनी है हमारी 60, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले राज्य के तरफ, तो आ जाएगा हमारा अगला नेक्स्ट राज्य है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम क्या है, जोर से मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, जोरम, तो जो बाहर का लास्ट का जो जोरम है उसी से पहले बात है, मिजोरम में भी जहर आ रहा है, इसी से रिलेट कर पाएंगे हम आइजोल, आइजोल मिजोरम, आइजोल मिजोरम, ठीक है। उसके बाद बात करें हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल की, तो मुख्यमंत्री क्या है यहाँ के, जोर मिजोरम, तो लास्ट का जो जोर वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा मिल जा रहा है हमें कहाँ पे, जोराम थांगा में, तो रिलेट करना बहुत इजी हो जाएगा, तो मिजोरम जोराम थांगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम इनके राज्यपाल की, तो पहले यहाँ पे जोराम, जोर से धर के पेल लग रहे, तो उससे रिलेट किया था, मतलब कि यहाँ पे क्या जाएगा, श्रीधरन पिल्लई थे, लेकिन वो अब शिफ्ट हो गए, ठीक है, वो गोवा को पेल रहे हैं अब दब के, ठीक है। तो गोवा के टाइम पे याद रखना कि पहले कहाँ थे, जोर से पेल रहे कहाँ पे, जोराम थांगा, ठीक है, कहाँ पे पेल रहे, मिजोरम में, लेकिन अब कहाँ शिफ्ट हो गए, वो पेलेंगे गोवा को जाके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हम रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे जोराम थांगा, और अब यहाँ पे थोड़े नम्र स्वभाव के, वो उन्होंने ज़्यादा पेल दिया मिजोरम को, तो ज़्यादा पेलने वाले को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे थोड़े नम्र स्वभाव के कौन आ गए, हमारे बाबूजी, तो क्या आ जाएगा, हरी बाबू कुंभमपति, ये आ गए हैं मिजोरम में। उसके बाद बात करें हम राजधानी की, तो राजधानी हमने देख ली आइजोल, क्योंकि इसमें भी आइजोल जेड आ रहा है, मिजोरम में भी जेड आ रहा है। बात करें लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट वैसी है यहाँ पे, मैक्सिमम में लगभग सेम सही है ये, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें। बात करें लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, और विधानसभा सीट अब तक की सबसे लोएस्ट कितनी, 40, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट राज्य आ जाएगा हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा, उड़ीसा को रिलेट करना शुरू करेंगे, पहले उससे पहले देख लेते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में कौन है, नवीन पटनायक, हमारे नवीन पटनायक कहाँ पे, उड़ीसा में। तो अब देखते हैं ट्रिक कैसे याद करने की कोशिश करते हैं, तो मुख्यमंत्री भी और राज्यपाल भी। तो उड़ीसा, उड़ीसा क्या हुआ, जो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने तरीके की चीज़ें हैं, वो क्या हुआ, जो हमारे गणेश जी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, सबको उड़ा दिया, जितनी पुराने टाइप की हैं उनकी जगह नई चीज़ें, बस जो भी आएगा सब कुछ नया आएगा उड़ीसा में, जितनी भी, जैसे पूरी है इस टाइम 100% वैक्सीन होने वाला पहला राज्य, वो पहला
मतलब एक तरीके सिटी बन गई है पूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है हमारा वो कोणार्क का मंदिर, ठीक है, जो हमारा सन टेम्पल है वो पूरी तरह 100% क्या है सोलर से चलने वाला एक पहला मात्र मंदिर हो गया, ठीक है। सब चीज़ मतलब कि नवीन चल रही है यहाँ, सब कुछ नया, ठीक है। तो नवीन चीज़ें हैं क्योंकि गणेश ने अपनी सूंड से सारी पुरानी चीजों को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है उड़ीसा से। तो इससे रिलेट करेंगे हम नवीन से, नवीन पटनायक तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गणेश से, गणेशी लाल कौन है यहाँ के राज्यपाल हैं। और बात करें राजस्थान की तो हमारे बेस्ट बॉलर भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। बात करें लोकसभा सीट की तो लोकसभा सीट भी यहाँ पे कम है, कितनी है 21। राज्यसभा सीट कितनी है, तो राज्यसभा में कितनी है 10। यदि विधानसभा में बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 147, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट राज्य पे, तो नेक्स्ट राज्य की बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नागालैंड। यदि बात करें हम नागालैंड की, तो नागालैंड क्या है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या है मातृभाषा क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेट करना आसान हो जाएगा हमें, तो अंग्रेजी यहाँ पे मातृभाषा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे वो उनका भी नाम कैसा होगा, लगभग इंग्लिश टाइप का ही। तो देख लो पहले ही क्या है, नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात करें कोहिमा, कोहिमा उइमा, नाग देखते ही उइमा नाग, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि गांव में, गांव वगैरह में यदि कुछ देख लिया ऐसा तो माँ को पुकारते हैं ना उइमा, तो इससे रिलेट कर पाएंगे हम नागालैंड कोहिमा, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, सब कुछ अंग्रेजी, मातृभाषा अंग्रेजी, जो सीएम का नाम है वो भी अंग्रेजी, तो उसे इक्वल भी तो करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो इंडियन की फीलिंग देवे, मतलब कि कुछ हिंदी वाली फीलिंग देवे, ठीक है। तो उससे हमें इक्विवेलेंट करने के लिए क्या कर दिया हमने, आर एन रवि। तो आर एन रवि, एन का नागालैंड यहाँ भी है, नेफ्यू रियो में भी एन है, तो क्या आएगा नेफ्यू रियो होगा या आर एन रवि, इसमें भी एन आ रहा है तो नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड आ जाएगा हमारा, कौन है नेफ्यू रियो और आर एन रवि। उसके बाद बात करें यहाँ की लोकसभा सीट, तो एक राज्यसभा सीट, तो एक विधानसभा सीट, तो 60, ठीक है, जो मिनिमम क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद बात करें हमारा नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, उड़ीसा देख चुके हैं हम, मिजोरम देख चुके हैं और नागालैंड देख चुके हैं। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट पंजाब, ठीक है। तो पंजाब सबसे पहले देखेंगे राजधानी, तो राजधानी क्या है पंजाब की, वो हो जाएगी चंडीगढ़। सब जानते हैं पंजाब की भी, हरियाणा, हरियाणा की भी है और हमारे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी है। उसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें तो पंजाब में कौन होते हैं सबसे ज़्यादा, सिंह, ठीक है। तो इतना याद रखना बस रिलेट करने के लिए, यही सफिशियंट है, ठीक है, कि जितने भी सिंह होंगे वो सब पंजाब में ही हैं, ठीक है। बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो ये भी सिंह आ रहा है इसमें भी, ये हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। भाई बात करें बीपी सिंह बदनोर की, तो बीपी सिंह बदनोर में भी सिंह आ रहा है, तो ये भी कहाँ पे हैं राज्यपाल हैं, कहाँ पे पंजाब में। यहाँ की बात करें लोकसभा सीट, ठीक है, तो लोकसभा सीट होंगी यहाँ पे 3। बात करें राज्यसभा सीट, तो ये होंगी यहाँ पे 7, और विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे 117, ठीक है, देख सकते हो आप। लोकसभा सीट कितनी है 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट राज्य आ गया राजस्थान मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल। आते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे पहले देखते हैं हम जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल, ठीक है। तो राजस्थान में राज कौन करेगा, राजस्थान में राज कर रहे हैं कौन, गहलोत, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा, गहलोत हर जगह राज कर रहे हैं, जहाँ पे भी मतलब कि बाहुल्य देश, जो यहाँ पे जो ये वाला गहलोत ठाकुर वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें वहीं पर ही हैं, ठीक है। अब देखते हैं गहलोत राज कौन कर रहा है, गहलोत, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री अब, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, मेन मकसद है याद करा देने का, ठीक है। तो क्या रिलेट किया हमने यहाँ पे, तो गहलोत राज कर रहे हैं हर जगह इस टाइम, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो हमें रिलेट कर लेंगे हम गहलोत से, अशोक गहलोत, और राज कर रहे हैं इससे रिलेट करेंगे, राजस्थान से भी राज है, ठीक है, राज्यपाल होंगे या राजस्थान के राज से भी रिलेट करेंगे, और वैसे भी राज कर रहे हैं गहलोत, तो इससे कलराज मिश्र। राजधानी की बात करें तो आ जाएगी हमारी जयपुर, पिंक सिटी, ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, अहमदाबाद के बाद दूसरा स्टेट, दूसरी जो सिटी है वो यही है हमारी जयपुर। उसके बाद बात करें लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट आ जाएंगी हमारी 25, राज्यसभा सीट 10। उसके बाद विधानसभा सीट की बात करें तो आ जाएंगी 200, मतलब कि लोकसभा में सीट कितनी है 25, राज्यसभा में 10, जो हमारा विधानसभा है उसमें है 200, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा तमिलनाडु, ठीक है, इधर चलते हैं तमिलनाडु, ये हो गया हमारा नेक्स्ट तमिलनाडु, ठीक है। तो इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तमिलनाडु सबसे पहले देखते हैं हम कि इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई, ठीक है, एकमात्र ऐसा जो हमारा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है बंदरगाह है, एन्नौर है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, ठीक है, तीनों ये हमारे क्या है पोर्ट हैं,
पोर्ट पत्तन बंदरगाह जो भी आप बोलो, ये तो स्टेटिक का हो जाएगा। हम आते हैं अपने करंट के टॉपिक पे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी चेंज हुए हैं, ठीक है, अभी निर्वाचित हुए हैं। इसकी लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें सब याद रखनी, क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुए, इलेक्शन हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखें पहले, सबसे पहले याद करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, यदि बात करें यहाँ पुरोहित टाइप, मतलब तू मिल पुरोहित के घर पर, रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जो पुरोहित टाइप होते हैं, जो मतलब कि यज्ञ वगैरह कराते हैं उन्हें, तो पुरोहित है, ठीक है। तो यदि कोई मान लिया तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से करेंगे तू मिल, ठीक है, इसे याद करेंगे। कोई ज़्यादा स्टाइल मार रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टाइल मार रहा है, तो पुरोहित बोलेंगे तू मिल तुझे बाहर, तू मुझे बाहर मिल, ठीक है। तो तू मिल से याद करना हमें, क्या रिलेट क्या कर पाना, मतलब कि कैसी भी है, अजीब सी ट्रिक है, लेकिन इससे याद हो जाएगा तुम जब आप देखोगे ऑप्शन लगा के, ठीक है, ऑप्शन में देखोगे तुरंत ये चीज़ माइंड में आएगी, रिलेट कर पाओगे और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बात करें हम यदि यहाँ की, तो स्टाइल मार रहा है तमिलनाडु में, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा एम के स्टाइलिन, जोसेफ स्टाइलिन से याद मत, रिलेट मत कर लियो इसे USSR वाले से, ठीक है, वो तो आँख ही बाहर कर देगा फिर, ठीक है। तो क्या है, एम के स्टाइलिन, तो स्टाइल मार रहा था, ठीक है। तो पुरोहित जी ने बोला तू मिल बाहर, तो यदि बाहर बाहर निकल तू, तब देखते हैं तुझे, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, अब देखते हैं राज्यपाल, तो ये आएगा बनवारी लाल पुरोहित, रिलेट कर पाएंगे हम। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु, जानता है कोई, राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई। बात करें यहाँ की, हमें विधानसभा सीट तो जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, लोकसभा सीट 39, उसके बाद राज्यसभा सीट 18, और विधानसभा सीट आ जाएंगी हमारी 234, तो 234 विधानसभा सीट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करें हम अपने नेक्स्ट स्टेट की, तो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगा हमारा सिक्किम, तो सिक्किम पे आते हैं अब, ये हो गया हमारा सिक्किम। सिक्किम मतलब कि सिक्किम भी रिलेट करेंगे हम सिक्के से, ठीक है। सिक्के से मतलब कि एक गंगा प्रसाद नाम का इंसान था, उसके पास बहुत पैसा, बहुत पैसा, ठीक है, ठीक है। उसने गंगा को रिलेट कर लेंगे गंगटोक से भी, इसका मतलब ये सिक्की से याद आ जाएगा, गंगा से याद आ जाएगा हमारा गंगटोक, तो ये हो जाएगी इनकी राजधानी। यदि बात करें हम मुख्यमंत्री, तो वो जो गंगा प्रसाद था बहुत अमीर था, नॉर्मल सी बात है, कोई अड़ियल इंसान तो कमा नहीं सकता पैसा, प्रेम से मतलब प्यार से, बिल्कुल प्यार से ही पैसा कमाया जा सकता है, तो इसका मतलब वो जो पैसा कमाया गया था वो कैसे, प्रेम से कमाया गया था। किसने कमाया था, गंगा प्रसाद ने, गंगा प्रसाद, गंगा से ही रिलेट करेंगे गंगटोक इसकी राजधानी। बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल रिलेट कर पाएंगे हम गंगा प्रसाद, पूरा का पूरा गंगा प्रसाद राज्यपाल है। और जो वो जो पैसा कमाया था, सिक्के, जो सिक्के कमाए थे, नोट कमाया था, वो मुख्यमंत्री रिलेट कर पाएंगे, कैसे कमाया था, प्रेम से, तो प्रेम सिंह गोले, प्रेम सिंह तमांग नहीं, प्रेम सिंह गोले, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा गंगटोक, राजधानी देख ली। अब आते हैं सीट्स, तो लोकसभा सीट यहाँ पे एक, राज्यसभा सीट यहाँ पे एक, उसके बाद विधानसभा सीट की बात करें तो हो जाएंगी 32, ठीक है, तो सिक्किम का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम तेलंगाना, ठीक है, तो तेलंगाना आते हैं, तो तेलंगाना जो कि 2014 में किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना की बात करें, तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और जी जो राज्यपाल हैं वो है तुमिलसाई सुंदर राजन। अब इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे तेलंगाना मतलब कि किसने तेल लगा दिया, किस पे लगाया, चांद पे, ठीक है, अपनी चांद पे तेल लगा दिया, कैसा लगेगा, कतई सुंदर, मतलब कि यदि सामने से देखेंगे तो दूर से चमक मारेगी उसके अंदर, ठीक है। तो उससे याद करवाएंगे हम, मतलब रिलेट करने के लिए ये ट्रिक है बस, जिससे कि ये पोर्शन याद हो जाए, देखना बाद में यदि क्वेश्चन भी लगाओगे इस पे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना मतलब कि उसने तेल लगाया, कहाँ लगाया, चांद पे, ठीक है, चांद पे लगाते कैसे हो गया एकदम चिकना, मतलब कि कैसा हुई उसकी चांद, चंद्र, चंद्र, चांद पर लगाया तेल, कैसी लगने लगी, बाहर दूर से देखने में सुंदर, तो इसी से याद कर लेंगे हम, रिलेट कर पाएंगे कि तेलंगाना में कौन है, चंद्रशेखर राव, ठीक है, और राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सुंदर राजन, ठीक है। एक जगह और आएंगी अतिरिक्त कार्यभार भी है इनके पास, ठीक है। बात करें इनकी राजधानी की, तो राजधानी क्या है, हैदराबाद, क्योंकि किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है, पहला आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद। बात करें यहाँ पे लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट क्या आ जाएंगी हमारी, यहाँ पे लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट कितनी है 7, और विधानसभा सीट कितनी हो जाएंगी हमारी यहाँ पे 119, तो 17, 7, 119, ऐसे भी रिलेट करके याद करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 17, 7, 119, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 17 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 7 है, 119 विधानसभा सीट है, ठीक है, हो गए ये राज्य कवर हमारे। इसके बाद नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं, नेक्स्ट राज्य हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा जो कि हमने वहाँ रिलेट किया था, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, मतलब कि बेस था त्रिपुरा का, त्रिपुरा का तो रमेश बेस, वो चेंज होके अब कहाँ चले गए, उस बेस चेंज कर दिया उन्होंने अपना, झारखंड में चले गए, ठीक है। उसके बाद बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा अब यहाँ पे त्रिपुरा है ये, ठीक है, तो त्रिपुरा में कौन है ये देखते हैं, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्पल कुमार देव, उसके बाद जो हमारे राज्यपाल हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, त्रिपुरा। तो ये कहाँ थे, आर्य टाइप नारायण, सत्यदेव नारायण कहाँ थे, हरियाणा, हरियाणा से शिफ्ट होकर कहाँ आ गए, त्रिपुरा, ठीक है, मतलब कि जो जो त्रिय वहाँ का वो पूरा कर दिया इन्होंने, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिदेव, हमने नाम सुना है त्रिदेव, ठीक है, त्रिदेव,
ठीक है, भगवान, तो त्रिदेव से याद करेंगे, त्रिदेव, त्रि तो हो गया त्रिपुरा और देव हो गया विपुल कुमार देव, तो ये याद कर लिया हमने विपुल कुमार देव। और ये अभी चेंज हुए हैं राज्यपाल, कहाँ से, हरियाणा से शिफ्ट हुए हैं कहाँ पे, त्रिपुरा में, ठीक है। तो जो बेस है वो वहाँ चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया कहाँ पे, झारखंड शिफ्ट हो गया, और वहाँ जो बेस रिक्त स्थान बचा वहाँ पे आ गए नारायण, नारायण जी, तो ये आ गए सत्यदेव नारायण। बात करें यहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है अगरतला, त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला, मतलब की फीलिंग भी आ रही है नाम में ही अलग ही, त्रिपुरा अगरतला दोनों सेम सेम सेम। उसके बाद बात करें लोकसभा सीट की, तो वो हैं दो, राज्यसभा सीट एक और विधानसभा सीट 60, ठीक है 60 हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट राज्य है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, ठीक है उत्तराखंड, ये हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, जो किससे अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, पहले इसका नाम उत्तरांचल था, उत्तराखंड है, ठीक है। अब इसे भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी, मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पे बहुत सारे चेंज हुए, पहले पहले सबसे स्टार्टिंग की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर बने, उन्होंने इस्तीफा दिया, मतलब कि उनका टर्म पूरा हुआ, फिर आए तीरथ सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत के बाद भी कौन आ गए, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ तो चेंजमेंट, ये तो करंट में चला हुआ है पिछले कई महीने से, तो इसका मतलब पुष्कर सिंह धामी कहाँ है, ये है मुख्यमंत्री कहाँ के, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। बात करें उत्तर, यदि मान लिया कोई एक ट्रिक रिलेट करने की कोशिश करते हैं, कोई 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 डंडे पर चढ़ रहा है, मान लिया हिमालय पर चढ़ रहा है, वो बेबी टाइप की छोटी बेबी है, वो डंडे पर चढ़ रही है या सीढ़ी पर चढ़ रही है, तो हमें डर है कभी गिर ना जाए, ठीक है, तो धम से ना गिर जाए, ठीक है, ऊपर से ऊपर चढ़ी है, चढ़ने के बाद धम से ना गिर जाए, धम से यार रिलेट कर लेंगे पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, धम से ना गिर जाए, इस वजह से उसे क्या क्या बोल रहे हैं, उसे नीचे उतर नीचे उतर नीचे उतर, तो उतरने से रिलेट कर पाएंगे हम उत्तराखंड, ठीक है, और धम से ना गिर जाए ये डर है हमें, तो क्या रिलेट करेंगे हम पुष्कर सिंह धामी। और यदि बात करें हम बेबी कौन चढ़ रहा है ऊपर, बेबी चढ़ रहा है, तो बेबी उतार रहे हैं हम नीचे नीचे उतर धम से गिर जाएगी ना, तो उतर उतार रहे हैं उसे, उतरने से रिलेट कर पाएंगे हम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड, और बेबी से बेबी रानी मौर्य, ठीक है। बात करें उत्तराखंड की राजधानी की, तो राजधानी क्या है इसकी, देहरादून शीतकालीन, और गैरसैन क्या है, ग्रीष्मकालीन, अभी बनी है, ठीक है, रिसेंट में। बात करें लोकसभा सीट की, तो वो हो जाएंगी 5, राज्यसभा सीट हो जाएंगी 3, और विधानसभा सीट हो जाएंगी हमारी 70, ठीक है। उसके बाद बात करें अगला हमारा नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा मारो उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश को तो उत्तर प्रदेश वाले तो खासकर जानते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है, UPSC PET UPSI और SSC GD, ठीक है, मेनली उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उन्हें कवर कराना, ठीक है, तो उसी से उत्तर प्रदेश तो याद होना चाहिए, ठीक, पता ही होगा सबको, तो उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है कौन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल आ जाएंगे हमारे यहाँ पर आनंदीबेन पटेल, जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार था किसका, मध्य प्रदेश का, लेकिन अब इनके इनसे वो अतिरिक्त कार्यभार ले लिया गया है, वो मंगूभाई छगनभाई पटेल के पास चला गया है। बात करें राजधानी की, तो राजधानी क्या है, लखनऊ, ठीक है, तो ये भी पता होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है लखनऊ, तो हमारा लक है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो लखनऊ कतई जहर। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा, तो लोकसभा सीट हर चीज़ में ही हैवी ड्राइवर है ये। अब देखो बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट, मतलब कि जो हमारा निम्न हाउस है, निम्न सदन है, उसमें सबसे ज़्यादा सीट, पूरे जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पे है, यूपी, मैक्सिमम सीट, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा सीट की बात करें, तो मैक्सिमम 31 मैक्सिमम। फिर विधानसभा की बात करें, तो 403+1 था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाला 103वें जो हमारा 103वां संविधान संशोधन हुआ उसे हटा दिया गया है, ठीक है, तो अब क्या होंगे, अब एंग्लो इंडियन में 104वां, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ये सीटों का आवंटन एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया, तो अब 304+1 था, एक फिक्स था एंग्लो इंडियन के लिए, अब 403 है, लेकिन अब भी मैक्सिमम है सारे राज्य में, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट कहाँ, उत्तर प्रदेश, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 30, विधानसभा में 403, ठीक है, तो ये मैक्सिमम ही है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, तो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी, तो दीदी की नगरी पे आते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री भी रिलेट करेंगे हम, याद करेंगे, और रिलेट करके और ट्रिक बना के राज्यपाल भी, तो गवर्नर की बात करें, सीएम की बात करें, सीएम कौन है, ममता बनर्जी, एकमात्र महिला किसी भी राज्य में जो सीएम है, ठीक है, तो ममता क्या है, धाकड़, कहते धाकड़, धाकड़ है छोरी, धाकड़ है वो वाली दंगल मूवी याद आई। उसके बाद बात करें यहाँ पे कौन सी धाकड़ छोरी है, ममता बनर्जी, जो पूरे शहर जी गए, किसकी है सत्ता, बीजेपी की, अकेली बंदी टक्कर दे रही है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा, ये आ जाएगा ममता बनर्जी, बस रिलेट करने के लिए, याद रखने के लिए है ये, कुछ हतोहताहत नहीं करना किसी को भी, ठीक है। बात करें मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, और बात करें हम राज्यपाल, तो वो कौन है, धाकड़, तो जगदीप
धनखड़ रिलेट कर पाएंगे हम जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? राजधानी हो जाएगी हमारी कलकत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोर्ट भी है, कलकत्ता पोर्ट, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे लोकसभा सीट, ये याद रखनी क्योंकि रिसेंट में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, तो लोकसभा सीट याद रखनी है हमें कितनी है यहाँ पे 42। राज्यसभा सीट की बात करें तो कितनी है यहाँ पे 16। और बात करें विधानसभा सीट तो वो हो जाएंगी हमारी 294, ठीक है। जितने अभी रिसेंट जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं उनमें सब ज़्यादा यहीं है 294 सीट कहाँ पे विधानसभा की, जो विधानसभा भी होते हैं ना चुनाव जो सीएम के होते हैं, तो विधानसभा सीट कहाँ पे सब ज़्यादा अभी तक जितने जिनमें रिसेंट हुए हैं अभी भी, तो 294 सीट कहाँ पे है हमारी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ममता बनर्जी जीती है यहाँ से, अपनी सीट पर तो ये हार गई हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो पार्टी है वो जीत गई है, ठीक है। बाद अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेट पे, ठीक है। तो स्टेट हमारे लगभग सारे कवर हो गए, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में किसी की दो केंद्र शासित प्रदेश हमारे पांडुचेरी और बात करें हम दिल्ली की, जहाँ पे क्या है जहाँ पे हमारे सीएम बनते हैं ना, तो बाकी हर जगह का क्या होगा वहाँ पे या तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा या फिर एलजी होगा, उपराज्यपाल होगा। बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ उपराज्यपाल है और कहाँ हमारे सीएम और राज्यपाल दोनों हैं, सही सीएम और उपराज्यपाल दोनों हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला, सबसे पहला पांडुचेरी, ठीक है। पांडुचेरी या पदुचेरी क्या है इसकी राजधानी की बात करें तो वो जाएगा पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक है। एकमात्र ऐसा मतलब केंद्र शासित प्रदेश जिसके चार जिले हैं और अलग अलग तीन राज्यों में हैं, माहे कराईकल पांडुचेरी यमन ये सारे, ठीक है। तो अलग अलग कहाँ आंध्र प्रदेश में हैं और केरल में और तमिलनाडु और केरल तीनों में फैला हुआ है, ठीक है। फिर बात करें मुख्यमंत्री की, टॉपिक पाते हैं मुख्यमंत्री क्या जाएगा हमारे, अभी नवीनतम आए हैं कौन एन रंगास्वामी, ठीक है। बात करें सुंदर, सुंदर को किससे रिलेट करा था, कतई सुंदर होगा चांद बतील लगा के कतई जहर दिखने लगा बाहर दूर से दिखा गया, तो क्या आ जाएगा वही है यहाँ पे उपराज्यपाल कौन तेलंगाना वाली, क्या आ जाएगा हमारा तमिलसाई सुंदर राजन, ठीक है। उसके बाद राजधानी हमने देख ली, यहाँ पे सीट की बात करें तो सीट कितनी है लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 30 सीट, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही है मुख्यमंत्री भी है और हमारे राज्यपाल भी हैं उपराज्यपाल, ठीक है एलजी। बात करें हम अगले दिल्ली की, तो दिल्ली भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री भी होंगे उपराज्यपाल भी होंगे, लेकिन बात करें ये कुछ डिफरेंट है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है जैसे बात करें दिल्ली की हमारी राजधानी की, ठीक है। तो दिल्ली में क्या होगा सीएम तो सब जानते हैं क्या आएगा अरविंद केजरीवाल, राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। बात करें उपराज्यपाल तो वो है अनिल बैजल, ठीक है, ये करंट में भी रहे थे अभी, क्योंकि यदि बात करें हर जगह कितनी है 15% क्या होनी चाहिए हमारे मंत्रिमंडल बना सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक्सेप्शनल है दिल्ली में 10% ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर किसके हाथ में दे दी उपराज्यपाल के में एलजी के हाथ में दे दी गई है, ठीक है, बहुत सारी पावर, इसके इसका विरोध भी हुआ था, ठीक है। तो कौन है यहाँ पे अनिल बैजल। और बात करें यहाँ पे लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट कितनी है 7, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट, क्योंकि अभी इस पर रिसेंटली चुनाव हुए हैं तो ये भी याद रखना है कितनी सीट है, जब ही तो 70 का यदि हम 15% निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन 10% होती है यहाँ पे सीट, तभी तो इनकी जो मंत्रिमंडल है उसमें कितनी होंगी 7 सीट, जब 10% निकाले 70 का, ठीक है, तो 7 होंगी, एकमात्र एक्सेप्शन है ये पूरे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश जितने भी राज्य हैं उनमें, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट हमारे केंद्र शासित प्रदेश की यूनियन टेरिटरी की, तो आ जाएगा हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसकी राजधानी क्या होगी वो हो जाएगी हमारी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है, किस नाम से पोर्ट ब्लेयर से ही, ठीक है। उसके बाद बात करें हमारे उपराज्यपाल यहाँ पे एलजी जो है वो कौन है हमारे एडमिरल डीके जोशी, ठीक है। अब अंडमान निकोबार क्या है इसे रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आएगा मान लिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल द्वीप में, मतलब कि हमारे बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल अलग भारत से, यदि कोई अटैक भी करेगा तो पता नहीं चले कब अंडमान निकोबार द्वीप समूह गायब कर दिया, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अलग है, इतने हमें पता चलेगी वहाँ से रिलेट करना है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा बस रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे जाना क्या है, वहाँ पे जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, इस वजह से जो उसमें कतई वो ही जा पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेट कर लेंगे हम इससे, क्या आ जाएगा उपराज्यपाल क्या होंगे एडमिरल डीके जोशी, ठीक है। और यदि बात करें यहाँ पे लोकसभा सीट की, तो सीट्स क्या है, बस लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की सीट 0, विधानसभा की सीट भी 0। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर में ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन, तो जम्मू कश्मीर अभी बना है, कब अलग हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग कर दिया, पहले जम्मू कश्मीर क्या था स्टेट था, अब क्या बना दिया यूनियन टेरिटरी तोड़ के, जैसे मतलब कि सबकी डिमांड है, डिमांड पे हुआ है काम, मतलब कि यदि मानने पहले उनकी मांग थी कि अलग हमें अलग देश की, तो अभी ये भाई मोदी जी ने पीएम मोदी जी ने हमारा और अमित शाह जी ने देश तो छोड़ो राज्य भी ना छोड़े, ठीक है, वो बात अलग है कि अब दोबारा से करंट में है ही, हो सकता है ये राज्य बन जाए आज ना तो आज के दिन, लेकिन फिर भी देश की तो छोड़ो राज्य भी ना छोड़े केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी
लो मौज केंद्र के अधीन। ठीक है, अब देखते हैं राजधानी, राजधानी श्रीनगर है गर्मियों में, जम्मू है सर्दियों में। उसके बाद उपराज्यपाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर से वाला पोर्शन कहाँ आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें, आर के माथुर में मनोज सिन्हा में, तो से आ रहा है कश्मीर में भी और इसमें भी आएगा मनोज सिन्हा, तो रिलेट कर लेंगे हम इसे क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेज, इतने चेंजेज हुए नहीं है, तो मनोज सिन्हा ही है, अभी ज़्यादा टाइम भी ना हुआ, इनका टर्नओवर भी पूरा ना हुआ बस, यहाँ पे वहाँ पे तो मुर्मू चेंज भी हो गए हैं लद्दाख में लेकिन यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, तो मनोज सिन्हा तो कश्मीर में एस आ रहा है, इस वजह से मनोज सिन्हा एस वाले कहाँ जाएंगे जम्मू कश्मीर में, और आर के माथुर कहाँ जाएंगे हमारे लद्दाख में। ठीक है, बात करें यहाँ पे लोकसभा सीट की तो वो हो जाएंगी हमारी 5, राज्यसभा सीट 4 और विधानसभा सीट 107 मतलब कि 107 देख लो, यहाँ देखते हैं तो क्या आ जाएगा, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 4 और विधानसभा सीट आ जाएंगी हमारी 107। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश पे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट दोनों एक साथ अलग हुए थे तो आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे पहले मुर्मू थे, उन्हें उनके जाने के बाद कौन बने, आर के माथुर, राधाकृष्णन माथुर। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा कौन है यहाँ पे, एल जी मतलब कि हमारे आ जाएंगे उपराज्यपाल। राजधानी की बात करें तो लेह, यहाँ पे दो ही जिले हैं लेह और कारगिल। ठीक है, तो बात करें हम इन लोकसभा सीट की तो लोकसभा सीट यहाँ पे क्या, 1। ठीक है, राज्यसभा सीट क्या है, 0 और विधानसभा सीट भी क्या है, 0। ठीक है, बात करें लक्षद्वीप की, ठीक है तो लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में क्या आ जाएगा, राजधानी पता ही है, ठीक है सबको याद होगी क्या होगी, कवरत्ती। ठीक है, रत्ती भर का लक्ष्य, मतलब बात करें यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है, तो वो कहाँ आएगी हमारी लक्षद्वीप के अंदर। ठीक है, लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट आ जाएंगी यहाँ पे 1 और राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट है नहीं, 0। ठीक है, उसके बाद बात करें चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ हमने कई बार रिकॉल किया जब हमने हरियाणा देखा और वो पंजाब देखा। ठीक है, बात करें हम चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ क्या आ जाएगा हमारा, चंडीगढ़ राजधानी है वैसे भी, 2 राज्य की है और 1 खुद यूनियन टेरिटरी की राजधानी है, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। लोकसभा सीट की बात करें यहाँ पे तो लोकसभा सीट आ जाएंगी हमारी 1, राज्यसभा सीट 0, विधानसभा सीट भी क्या है, 0। बात करते हैं हम दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीप, यहाँ पे सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, सारी नेगेटिव चीज़ें यदि आती हैं ऑप्शन में उससे सेंसस से 2011 वाले से, तो सब नेगेटिव चीज़ें जितनी भी हैं यही हैं। ठीक है, वो चाहे सबसे कम साक्षरता हो, ठीक है सबसे ज़्यादा वो हो जन्म दर, वो सारी चीज़ें मतलब कि जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेगेटिव है, वो सारी यहीं पे ही हैं। अब ये मर्ज कर दी गई है 26, कब हुआ ये मर्जेशन, यदि मर्जेशन की बात करें तो 26 जनवरी 2021 तब ये मर्ज हुई दादर नगर हवेली दमन एंड दीप, पहले कितनी थी हमारी 7, लेकिन अब कितनी हो गई है हमारी, जो पहले 7 थे, फिर जैसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए तो 9 हो गई यूनियन टेरिटरी, फिर दादर नागर हवेली दमन एंड दीप ये मर्ज कर दी गई, तो अब कितनी हो गई हमारे, ये हो गई अब हमारे 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। तो राजधानी क्या है, राजधानी कैसे बनाया गया है इनकी, दमन। ठीक है, उसके बाद बात करें लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट कितनी हो जाएंगी, 1 उसकी थी 1 इसकी, दोनों मर्ज कर दी तो लोकसभा सीट 2 हो गई, राज्यसभा सीट 0, विधानसभा सीट 0। दोस्तों मनो ऐसा क्यों लग रहा कि कछु मिसिंग है, ठीक है एक बार देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कवर। ठीक है, देखते हैं कोई स्लाइड एक मिस हो गई है, शायद स्किप हो गई है। ठीक है, ये भी हो गया, 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 हाँ जी ये मिस कर गए हम। ठीक है, देखते हैं फिर से, तो हमारा जो स्टेट है, ये जो 4 स्टेट हैं ये शायद स्किप हो गए थे। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेट होगा हमारा असम। ठीक है, तो बात करें असम की, तो असम में कौन है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और असम में जगदीश मुखी। यदि बात करें असम किसके लिए फेमस है, चाय के लिए। ठीक है, तो मतलब कि वहाँ की चाय पे सबको विश्वास है, जब भी तो वहाँ की जो चाय है उसे अलग से जीआई टैग मिल चुका है, 10 साल के लिए मिलता है ये। ठीक है, मतलब कि जगदीश हो जाता है एकदम मुख उसे पीते ही। ठीक है, और राजधानी क्या है हमारी, राजधानी हो जाएगी दिसपुर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, राज्यपाल हम रिलेट कर पाएंगे इससे, क्या होंगे, जगदीश मुखी, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत सोरेन नहीं, हेमंत सोरेन झारखंड के थे। ठीक है, यहाँ की बात करें लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट की, तो ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले लोकसभा सीट तो 14, राज्यसभा सीट तो 7 और विधानसभा सीट है 126। ठीक है, 126। उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगा हमारा बिहार। तो बिहार हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अभी यहाँ पे रिसेंटली क्या हुए, इलेक्शन हुए, इसका मतलब ये याद रखना है। तो कौन है, नीतीश कुमार बन गए दोबारा, फिर उसके बाद कौन, किसने दिलाई, चौहान साहब ने क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है। ठीक है, तो फागू चौहान क्या है, यहाँ के राज्यपाल, और बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। ठीक है, राजधानी पता ही है क्या होगी हमारी, पटना। ठीक है, बात करें यहाँ की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट की, तो लोकसभा सीट कितनी हो जाएंगी हमारी, 40, राज्यसभा सीट 16 और 243 हो जाएंगी हमारी विधानसभा सीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं,
नेक्स्ट स्टेट होगा हमारा छत्तीसगढ़। तो इसे रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसे हमें बघेलना है, मतलब कि उलेटना है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके चार तरफ से सुई पिरोना शुरू कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, सुई, सुई से याद रखेंगे, बस ये ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ताकि ऑप्शन से हम लगा पाएँ। तो अनुसुइयाँ उई के, और क्या करके बघेला था, सुइयाँ, और फिर क्या कर दिया था, बघेल दिया था, भूपेश बघेल, ठीक है। और नया राजपुर क्या है, इसकी राजधानी। बात करें लोकसभा और राज्यसभा सीट की, तो वो लोकसभा सीट है यहाँ पे 11, राज्यसभा सीट है 5, और 90 क्या है, विधानसभा सीट है। उसके बाद बात करें हमारा गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य गोवा, इसकी बात करें तो क्या आएगा, मुख्यमंत्री जब से, जैसे मनोहर पारिकर की डेथ हुई है उसके बाद से ही कौन है, प्रमोद सावंत। बात करें राज्यपाल की, तो क्या था, मैंने बताया था, रिलेट किया था पहले, इससे पहले भी मिजोरम के टाइम पे, तो मिजोरम में क्या था, जोर से धर के पेल रहे थे, मतलब कि सेधन पिल्ले किसे पेल रहे थे, पहले मिजोरम को, वहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ आ गई हमारे गोवा में, अब ये गोवा को पेल रहे हैं, बस रिलेट करने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। तो प्रमोद सावंत हो गए मुख्यमंत्री, राज्यपाल हो गए PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। बात करें यहाँ की लोकसभा राज्यसभा सीटों की, तो क्या आ जाएंगी, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, और विधानसभा सीट है हमारी यहाँ पे 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा, ठीक है। अब सारे स्टेट हमने, हमने 28 स्टेट कवर कर लिए और 8 यूनियन टेरेटरी, ठीक है। उनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनकी राजधानी, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, सब क्लियर कर लिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।